दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जेंट्स पजामा कटिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों जो पैंट टाइप पजामा कटिंग होता है वही बताएंगे। तो दोस्तों लेडीज का प्लाजो जो होता है, जो लेडीज पैंट होता है, वो भी सेम इसी तरीके से कट किया जाता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से सीख लीजिएगा। तो दोस्तों अब इसका मेजरमेंट आप समझ लीजिए। तो दोस्तों 38.5 इंच की लंबाई है और 35 इंच की कमर है और 29 इंच राहन यानी कि पट 29 इंच है और 14.5 इंच इसकी मोरी है और दोस्तों जो हिप है इसकी 39 इंच है। तो दोस्तों अपने इतने ही मेजरमेंट चाहिए होते हैं। तो दोस्तों अब समझ लीजिए मैंने कपड़े को कैसे बिछाया है। तो दोस्तों अंदर की साइड राइट है और जो ऊपर की साइड है वो रॉन्ग साइड है यानी कि उल्टी साइड है। किनार से किनार मिलाते हुए ऐसे कपड़े को बिछा दिया है। अब दोस्तों आपको एल स्केल की मदद से सबसे पहली मार्किंग करनी है। एल स्केल को इस किनार से ऐसे मिलाना है और ऊपर की साइड में सबसे पहला एक मार्का कर लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों इसमें इलास्टिक डोरी यानी कि इलास्टिक जितना चौड़ा लगाना है उससे आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यानी कि मैं इलास्टिक इसमें 1.5 इंच का लगाऊंगा तो इससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 2 इंच पे ये मार्किंग कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, अब इस लाइनिंग से आपको जितनी अपने पजामे की लंबाई है वो ली जाएगी। तो यहाँ पे लंबाई है इसकी 38.5, तो 38.5 पे मार्क कर लूंगा और नीचे बॉटम फोल्ड के लिए आप 2.5 से 3 इंच मार्जिन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोस्तों 2.5 इंच के आसपास मार्जिन ले लेता हूँ। तो अब दोस्तों अपने इसके आसन की बारी आती है यानी कि लटक की। तो लटक दोस्तों हिप के चौथे हिस्से पे रख सकते हैं। तो दोस्तों हिप इसमें 39 इंच है यानी कि 10.5 इंच। ठीक है दोस्तों, अगर पैंट होती तो 10.5 इंच सिंपली अपने इसमें लटक रख देते। तो अब दोस्तों क्या होगा, जो पजामा होता है इसमें इलास्टिक डोरी ऊपर लग जाती है, बेल्ट होता है तो वो 1.5 इंच का ऊपर लगता है, इसलिए वो पूरा हो जाता है। आपको हिप से अब पजामा या लेडीज पैंट है तो उसमें आपको 1.25 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा करना है। जितना हिप का चौथा हिस्से पे मार्क किया उससे 1.25 या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। आमतौर पे दोस्तों मैं लगभग नाप में छवि में 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेता हूँ, आप 1.5 इंच भी कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब दोस्तों इसको यहाँ से आप नाप के देख लीजिए कि ये कितना हुआ। तो दोस्तों ये अपना 11 इंच हुआ, तो 11 इंच इसका लटक रहेगा। अब दोस्तों इस मार्कर को ऐसे सीधा कर लेना है, एल स्केल को ऐसे मिलाया। इस तरीके से ये दोस्तों मार्किंग कर लेनी है और ये बॉटम साइड में भी इनको सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों आपको इसमें जो किनार है उसको निकाल देना है, उसके लिए आपको एक मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब दोस्तों इसमें पॉकेट है तो यहां से आपको इस लाइनिंग से जो इलास्टिक वाली लाइनिंग है इससे 2.5 इंच नीचे करते हुए पॉकेट के लिए मार्क लगा लेना है। और दोस्तों पॉकेट का जो मुंह खोलेंगे वो 1.25 इंच खोलेंगे, तो यहाँ पे 1.25 इंच का आपको ऐसे मार्क कर लेना है और यहाँ तक पॉकेट की थैली अटैच करेंगे ऊपर। अब दोस्तों इसकी राहन है 29 इंच है यानी कि 14.5। तो 14.5 पे आपको सिंपली ऐसे मार्किंग करनी है और 2 इंच पीछे कर लेना है। आप चाहे तो 1.5 इंच भी कर सकते हो, 1.25 इंच भी कर सकते हो, मैं दोस्तों इसमें 2 इंच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आपको देखना है 12.5 आया तो 12.5 सिंपली यहाँ पे रखना है ऐसे और इसको ऐसे निशान कर लेना है और यहाँ पे म्यानी के जैसा आपको राउंड कर लेना है इस तरीके से। अच्छे से आपको इसका ये राउंड करना है, जैसे अपने पैंट में फिलाई के लिए छोड़ते हैं वैसे ही सेम यहाँ पे भी आपको करना है। अब दोस्तों आपको सिंपली किनार की साइड से 2.5 इंच छोड़ना है
और 14.5 अपनी मोरी है तो 7.25 इंच का यहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इसको थोड़ी दूर तक ऐसे लाइनिंग को सीधा खींचेंगे। इस तरीके से अब दोस्तों शेप फट्टी को रखते हुए अपने ऊपर की शेप कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये लाइनिंग पूरी कर लेनी है। इस तरीके से अपने पजामे का फ्रंट की मार्किंग हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने कमर के लिए लिख लेते हैं या जब लास्टिक लगाना हो तो आसानी हो जाएगी। और बॉटम में अपने बॉटम इसकी लिख देते हैं कि 14.5 इंच है, जब बनाएं तो आसानी से आपको पता चल जाए। अब दोस्तों इसकी कटिंग जल्दी से कर लेता हूँ, देखिए किस तरीके से कटिंग करना है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने पजामे का फ्रंट कट हो जाता है। अब दोस्तों मैं अपना ये पैंट टाइप कटिंग होती है तो इसमें अपने बैक पीस को अब कटिंग करेंगे, यानी कि वो इससे बड़ा होगा। तो अब दोस्तों इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ और इस कपड़े को आगे करते हुए बिल्कुल सेम उसी तरीके से बिछा लेना है। अब दोस्तों जो फ्रंट है इसको इसके ऊपर सही करते हुए बिछा लेना है बिल्कुल सेम उसी तरीके के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सही करते हुए फ्रंट को बिछा लिया है जो दूसरा कपड़ा बचा हुआ था उसके ऊपर। अब दोस्तों आपको जो ये निशान है इनको ऐसे सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ से आपको लगभग 1 इंच ऊपर उठाते हुए ऐसे मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और बॉटम साइड में आप इस मार्के को ऐसे सीधा कर सकते हो। अब दोस्तों बॉटम साइड में आपको सिंपली 1.5 इंच बढ़ाते हुए रखता है बढ़ती में पीस, और यहाँ से आपको 2 इंच बढ़ती हुई रखना है और यहाँ पे आप 1.5 इंच बढ़ती हुई रख लीजिए। अब दोस्तों इसको ऐसे लाइनिंग कर लेनी है और इसका ऐसे राउंड करना है। अब दोस्तों नीचे की इस तरीके से शेप फट्टी से शेप कर लेनी है। हल्का सा नीचे क्रॉस करना है ताकि जोड़ने में आसानी हो। तो दोस्तों बैक पीस इतना बड़ा कट करना होता है फ्रंट में, यानी कि जो भी मार्जिन है इसमें होंगे। तो दोस्तों जो फ्रंट होता है ये पूरा कंप्लीट कट होता है। तो अब दोस्तों अब इसकी जल्दी से मैं कटिंग कर लेता हूँ, कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है।
तो दोस्तों अपना जेंट्स पजामा पूरा कंप्लीट कटिंग हो चुका है। अगर आपको वीडियो लगता है अच्छा और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जेंट्स पजामे की कटिंग की जाती है, जो पैंट टाइप कटिंग रहती है। दोस्तों कुछ लोग होते हैं पजामे को चारों पीस बराबर कट करते हैं, उसमें दोस्तों मार्जिन ऐड करते हुए फ्रंट को ही कट किया जाता है, यानी कि फ्रंट में ही सब मार्जिन वगैरह छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि चारों पीस एकदम बराबर होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर पजामे की कटिंग करोगे तो आपका पजामे की बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अगर फिटिंग ना आए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। तो दोस्तों मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ आपका पजामा बिल्कुल अच्छा इस तरीके से फिट आएगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा जो पजामा जा और इसके अलावा कोई भी कटिंग सीखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में आगे आपको।